नमस्कार दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रियल एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे, इसके बाद हम लोग उसके प्रूफ को भी समझेंगे। इसका स्टेटमेंट है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइन इन अ क्लोज इंटरवल ए बी सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस। सबसे पहला कंडीशन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा कंडीशन है एफ एक्स इज डिफ्रेंशिएबल ओवर ओपन इंटरवल ए बी। और तीसरा कंडीशन है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी वेयर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच डैट एफ डैस सी इज इक्वल टू जीरो। इसका स्टेटमेंट कहता है, यदि हमारे पास कोई एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी पर बिलोंग करता है, ठीक है, यदि वह एफ एक्स तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो वही हमारा क्या है, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। सबसे पहला कंडीशन है एफ एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। कहाँ पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर। दूसरा कंडीशन है एफ एक्स जो है वो डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पर। और तीसरा कंडीशन है यदि हमारे पास एफ ए और एफ बी इक्वल है तब एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट सी जो कि ओपन इंटरवल ए बी पर बिलोंग करता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब इसका प्रूफ है, ध्यान दीजिएगा, सिंस द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। यदि ये कंटिन्यूअस क्या होगा, यदि कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, बाउंडेड होगा। हैंस इट इज बाउंडेड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। लेट इट्स लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड को हम लोग कैपिटल एम मान लेते हैं और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम लोग स्मॉल एम मान लेते हैं, स्मॉल एम रेस्पेक्टिवली। हम लोग जानते हैं, वी नो डैट When capital M is greater than or equal to small m, that is m is less than equal to fx and fx is less than equal to capital M, for all x belong to close interval AB. Since f is continuous over the close interval AB, close interval AB, f will attains the value of least upper bound
एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एटलीस्ट वन इन इट्स डोमेन, ठीक है, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। दो पॉसिबिलिटी क्या क्या है? सबसे पहला हो सकता है कि लीस्ट अपर बाउंड यानी कि कैपिटल एम जो है वो स्मॉल एम के इक्वल हो सकता है, या फिर कैपिटल एम नॉट इक्वल टू स्मॉल एम। फर्स्ट केस है, सपोज दैट कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम, इन दैट केस एफ एक्स इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। That is, fx is equal to d, where d is a real number. जब हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, सो देयर इज नथिंग टू प्रूफ, नथिंग टू प्रूफ। अब दूसरा केस, केस टू, ध्यान दीजिएगा, सपोज डैट कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, एम नॉट इक्वल टू एम, इन दिस केस there must be a point C belongs to open interval AB such that F attains its one of the extreme value एट सी, ठीक है, सी पर हमारा एक एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगा, लेट एफ सी इज इक्वल टू कैपिटल एम, एफ सी प्लस एज इज इक्वल टू और लेस देन एफ ऑफ सी, फर्स्ट इक्वेशन, वेयर एच इज ग्रेटर देन जीरो, और एच क्या है यहाँ, एक स्मॉल नंबर है, एफ सी माइनस एच इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये दूसरा इक्वेशन मान लिए। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो होगा इसका, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच इज लेस देन इक्वल टू जीरो, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पॉइंट सी पर क्या हमें मिलेगा, एट दी पॉइंट सी आर एस डी यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इज लेस देन इक्वल टू जीरो एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो, सो एज द फंक्शन f is differentiable at c, ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है
वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा। इसका मतलब है एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ डैश सी हमारा किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। ध्यान दीजिएगा थर्ड केस है, एज्यूम डैट एफ सी इज इक्वल टू स्मॉल एम, वहाँ कैपिटल एम लिए थे, अब क्या करेंगे स्मॉल एम लेट करेंगे, ठीक है। एफ सी प्लस एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी, इसको हम लोग तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं, जहाँ पर एच क्या है ग्रेटर देन जीरो है, जो कि क्या है एक स्मॉल नंबर है, ठीक है। एफ सी माइनस एच ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी, इसको हम लोग चौथा इक्वेशन मान लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर, जो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा ध्यान दीजिएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच इज लेस देन इक्वल टू जीरो, और पॉइंट सी पर जो होगा एट द पॉइंट सी राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश एक्स सॉरी एफ डैश सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा एफ डैश सी इज लेस देन इक्वल टू जीरो। सो एज द फंक्शन एफ इज डिफ्रेंशिएबल एट पॉइंट सी, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, डैट इज एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ।